अध्याय अठारह उत्पादन कैसे होता है बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं इनमें से कुछ वस्तुएं हमारी जरूरी आवश्यकता की होती है जैसे हम भोजन के लिए कई प्रकार के अनाजों का प्रयोग करते हैं हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और बीमारी के समय हम बहुत सी दवाओं का प्रयोग करते हैं इसी तरह हम बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग अपनी सुख सुविधा के लिए भी करते हैं जैसे हम टीवी का उपयोग करते हैं एसी का उपयोग करते हैं और कार का उपयोग भी हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए करते हैं तो आपने क्या कभी सोचा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन होता कैसे है इन वस्तुओं का उत्पादन कई उद्योगों और कल कारखानों में होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है ये साधन है भूमि श्रम पूंजी और उद्यमिता यानी कि साहस ये उत्पादन के ऐसे साधन हैं जिनमें से किसी एक के अभाव में भी उत्पादन संभव नहीं हो सकता और उत्पादन के साधन ऐसे साधन हैं जो किसी भी शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो आइए देखते हैं रायपुर शहर के विकास में उत्पादन के इन साधनों का क्या योगदान रहा है बच्चों किसी भी शहर के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है बात अगर हम रायपुर शहर की करें तो यहाँ भी बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं उरला भनपुरी और सिलतरा रायपुर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी मात्रा में लोहा उद्योगों की स्थापना हुई है और इस कारण ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गए हैं बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि रायपुर में इन उद्योगों की स्थापना कैसे संभव हो पाई है छत्तीसगढ़ में दलीराजरा और बचेली किरंदुल जैसे कई स्थान हैं जहाँ पर लौ एस्क की खदाने हैं इन खदानों से लोहा उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता है इसी तरह रायपुर के बैकुंठ में भिलाई के जामुल क्षेत्र में और बलौदा बाजार के रवान हिरमी और रावण क्षेत्रों में सीमेंट के लिए आवश्यक पत्थरों की उपलब्धता है यही कारण है कि इन स्थानों पर सीमेंट संयंत्र लगाए गए हैं जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है बिल्कुल ऐसे ही रायपुर में बिजली संयंत्रों की भी स्थापना हुई है बिजली संयंत्रों के लिए कोयले को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और छत्तीसगढ़ में कोयले की कई खदानें हैं जो इन बिजली संयंत्रों को कच्चे माल के रूप में कोयला प्रदान करती हैं रायपुर एक बढ़ता शहर रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और रायपुर जिले का मुख्यालय है सन 2000 में छत्तीसगढ़ के एक अलग राज्य बनने के बाद से यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है इसके बाद रायपुर तेजी से बढ़ा और सन 2011 में भारत के महानगरों में शामिल हो गया राज्य के विभिन्न भागों में खनिज भंडार और वन संसाधनों की मौजूदगी ने इस शहर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है रायपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्टील और सीमेंट का उत्पादन करने वाले कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं रायपुर न केवल बिजली और स्टील का क्षेत्रीय केंद्र है बल्कि भारत के बड़े बाजारों में भी एक है छत्तीसगढ़ का विशाल वन क्षेत्र रायपुर को वन उपज का एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी बनाता है रायपुर भारत के मध्य पूर्व क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है शहर का थोक व्यापार छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों की जरूरतों के साथ इससे सटे पश्चिमी ओडिशा के जिलों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है